मैनपुरी में कार का लॉक तोड़कर 2 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी होने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। रुपयों से भरा बैग चोरी करते समय जल्दबाजी में 21,000 रुपया नीचे गिर गए। चोरी करते हुए और भागते हुए चोर वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। बाइक पर बैठकर ये चोर आसानी से फरार हो गया। वीडियो नंबर 1 घटना मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके के राधा रमन रोड की है। यहाँ पर बीती 13 जुलाई को नमन पेट्रोल पंप पर थाना बोगांव इलाके के नगला चुन्नी निवासी राजकीय ठेकेदार महेश चंद पेट्रोल पंप पर डीजल का हिसाब करने आए थे। उसी समय एक चोर पहले रेकी करता रहा, उसके बाद ठेकेदार महेश चंद की अल्ट्रो कार का लॉक तोड़कर 2 लाख रुपयों से भरा बैग निकालकर भाग गया। जल्दबाजी में 21,000 रुपया बैग से निकलकर नीचे गिर गए। चोरी के पूरे बकाया की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ठेकेदार महेश चंद का कहना है कि उन्होंने SBI की शाखा से 3 लाख रुपया निकाले थे, वहीं से ये चोर पीछे पड़ गए। महेश चंद ठेकेदार पीड़ित। भारतीय स्टेट बैंक से मुख्य शाखा से वह 3 लाख निकाले थे। 1 लाख रुपया तो मैंने अपनी जेब में रख लिया, 2 लाख रुपए थैला में रखे अपनी गाड़ी रख दी। नमन कृष्णा पेट्रोल पंप पे जाके मैं गाड़ी खड़ी कर दी, मैं अंदर चला गया। उनका हिसाब था डीजल का, वो करना था मुझे। तो इतनी देर में किसी ने जो है लॉक खोला और रुपये थैला खा दिया। कितने पैसे निकाले? 2 लाख रुपए थे इसमें, 21,000 रुपये नीचे पड़े मिल गए। क्या पहले से बैंक से पीछा करने थे? हाँ, बैंक से ये पीछा करके आए। कितने लोग थे? 4-5 लोग हैं और कुछ कागजात भी रखे हैं हमारे इसमें। थाने की मैंने शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत कर दी।